फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी व्यूवर्स को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपको लेकर के चल रही हूँ सेक्टर 20 के मार्केट में चंडीगढ़ में। और यहाँ पर दीपावली की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से शॉपिंग लोग कर रहे हैं और मार्केट सजी हुई है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने देखा एक शॉप पर ये कंडील वगैरह बिक रहे थे। यहाँ पर तो ये स्कूटर मार्केट है जहाँ पर स्कूटर वगैरह ठीक कर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी शॉप पर कंडील वगैरह लगे हुए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। और सारी मार्केट भी मैं आज आपको घुमाऊँगी 20 सेक्टर की, और साथ ही उसके आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है अपनी दीपावली के लिए। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, तो लेकिन क्या हुआ कि उसमें से कुछ मैंने यूज़ कर लिया है और ये वीडियो बाद में शूट कर रही हूँ। और कुछ सामान ही जो पर्टिकुलर कुछ सामान था जो मैंने आपको साथ में शेयर किया है, बाकी दूसरा सामान भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और सारे डेकोरेटिव आइडियाज़ भी दूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या डेकोरेशन की है, कैसे कैसे की है, वो भी मैं आपके साथ में अगर टाइम लगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप इंजॉय कीजिए 20 सेक्टर चंडीगढ़ की मार्केट को। तो पहली परचेज है मेरी ये दिया वाली लाइट है। ये इसमें 21 दिया है और ये बिजली से चलता है, इस तरीके से हम प्लग इन करेंगे तो ये चल जाएगा। और इसके ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइट चलेगी। आप चाहे तो इसको हैंग भी कर सकते हैं कहीं पर, जैसे आपकी रेलिंग वगैरह है, या फिर ज़मीन पर भी सेलो टेप की हेल्प से चिपका सकते हैं। तो ये मुझे मिला था 170 या 160 कुछ ऐसे ही था, उन्होंने 200 का बोला था थोड़ी बार्गेन करने के बाद में ये मुझे मिला है। 160 है या 170 है इसका प्राइस। और इस तरीके बॉक्स में आया था ये, और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको किस तरीके से इसको लगाना है, किस तरीके से यूज़ करना है। दो ये लाइट्स हैं, ये पर्पल कलर की है और ये येलो कलर की है। और भी लेकर के आई थी मैं 8-9 लाइट्स जो कि मैंने यूज़ कर ली हैं। कहाँ कहाँ यूज़ की हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है एक अगरबत्ती होल्डर, इसके अंदर आप अगरबत्ती की स्टिक्स लगा सकते हैं और उसके बाद में आप इसको इस तरीके से यहाँ पर फिट कर सकते हैं, और ये इस तरीके से फिट कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये ढक्कन भी है एक, आप इसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं और यहाँ पर धूप भी आप लगा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पे भी आपको मिल जाएगा, अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह पर इजीली इंसेंस स्टिक होल्डर करके है इसका, मुझे लोकल मार्केट में ही मिल गया था। इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, आई थिंक मार्केट में भी सेम ही प्राइस है, और ये स्टील का है। और इसके बाद में मैंने ये लिए हैं, ये कॉफ़ी मग हैं दो, और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, मुझे ये मैंगो येलो पसंद आया है। तो ये 50 रुपीज़ ईच है, तो मुझे 100 रुपीज़ में ये दो मिले हैं। बाकी मैं लेकर के आई हूँ ये दिया जिनको मैं खुद पेंट करूँगी। एक ये दीपावली के लिए दिया है और ये कॉटन बत्ती हैं। वैसे तो मैं खुद ही बना लेती हूँ लेकिन इस टाइम दीपावली का काम है तो इस करके मैं नहीं बना पाई हूँ। तो ये हैं, और कैंडल्स वगैरह भी लेकर के आई हूँ। और एक ये लेकर के आई हूँ मैं, विंचन चैम्स टाइप की है ये, और ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ का। इसके अंदर एलिफेंट भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बेल्स भी लगी हुई हैं। मुझे बालकनी के लिए बहुत ही खूबसूरत लगा और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर था। तो इसके अलावा गिफ्ट्स वगैरह भी लिए थे, तो वो हमने हैंड टू हैंड पैक कराने के बाद में उनको बांट भी दिया था जहाँ जहाँ हमें देना था। तो गिफ्ट्स वगैरह भी लिए थे, मिठाई और फूल वगैरह जो हैं वो हम फ्रेश ही खरीदेंगे तो कल बड़ी दिवाली के दिन। तो बस ये छोटी सी शॉपिंग थी
और भी कैंडल्स वगैरह, धूपबत्ती, अगरबत्ती, जो छोटा मोटा पूजा का सामान होता है, लक्ष्मी गणेश जी वगैरह, वो सब मैंने परचेज किए हैं, बट वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती आपको, दीपावली वाले दिन ही शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आज की मेरी ये शॉपिंग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।